नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों, एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ चुका है। ये मैंने एक हफ्ते पहले अप्लाई किया था और मुझे आज डिलीवर हो चुका है। इस वीडियो में मैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर और बेनिफिट के बारे में बताऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। लिमिट कितनी मिली है ये भी दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पे एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडियन ऑयल का लोगो है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। पीछे की तरफ एक सील लगाई हुई है एक्सिस बैंक की, और यहाँ पे वो एड्रेस मिसमैच वगैरह होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, आपको डिलीवर नहीं हो पाता है, उसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सिर्फ दो ही पेपर हैं, ये टेम्पलेट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है, चार तरीके हैं क्रेडिट कार्ड के पिन जनरेट करने के, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और IVR के थ्रू, वही इसमें लिखा हुआ है। कस्टमर केयर का नंबर है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये आ जाता है हमारा मेन कार्ड, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट है, 15,000 रुपए की लिमिट है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, 0 joining fees, 0 annual fees। मुझे इसका कोई चार्ज नहीं लगा, ना मुझे कोई चार्ज इसका आगे देना पड़ेगा, चाहे मैं इससे कुछ खर्च करूं या ना करूं। इसके बाद में आ जाता है मेन कार्ड, ये हमारा कार्ड है, ये देख सकते हैं आप। कार्ड का लुक अच्छा है तो इसको रखते हैं साइड में। तो बात कर लेते हैं वेलकम बेनिफिट की। वेलकम बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा? अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको वेलकम बेनिफिट में 100% कैशबैक मिलेगा। अगर आप कार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। कितना मिलेगा? वो 250 रुपए का ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 200 रुपए का मतलब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 200 रुपए कैशबैक मिलेगा, 100% हो गया। अगर आप 250 का करते हो तो आप 250 रुपए मिलेगा। अगर आप 500 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो, 250 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा, आपको 500 रुपए का नहीं मिलेगा। फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करते हैं। इस कार्ड में आपको 100 रुपए खर्च करने पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 20 पैसे होगी, तो 4% बैठता है। और 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी मिलेगा आपको इंडियन ऑयल के किसी भी पेट्रोल पंप पे पूरे इंडिया में। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 1% के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो आपकी एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए, और एड ऑन कार्ड के लिए 15 साल की होनी चाहिए। एक फोटो लगेगा आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप सैलरीड हैं तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप, या फिर ITR लगेगी, या फिर कार्ड टू कार्ड बेस पे भी आप इस कार्ड को बना सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो हो सकता है आपको ऑफर मिल गया होगा, आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो मैंने बनाई थी अप्लाई करने के टाइम में। अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो उसके लिए ये वीडियो है, अगर आप कस्टमर नहीं हो तो आप इनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको कार्ड जरूर मिल जाएगा। मेरे मिलने वाले को एक को 15,000 रुपए की सैलरी पे भी मिल गया, 15,000-13,000 पे भी कार्ड मिल जाता है अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो। दोस्तों, फीस एंड चार्जेस की बात करते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 500, एनुअल फीस भी 500 है, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए ऑफर जो चल रहा है वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो भी फ्री मिलेगा, एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हो तो भी लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो कोई फीस नहीं है, और अगर आपका कार्ड खो जाता है या गुम हो जाता है या कार्ड खराब हो जाता है, किसी भी केस में अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए चार्ज होंगे। कोई स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जो जो चार्ज है वो आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें चार्ज आपको लगने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं ये कार्ड किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके शहर में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप हैं और दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है, और या फिर दूर है, आपके नजदीक इंडियन ऑयल है, तो आप ये कार्ड ले सकते हैं। और अगर आपकी सिटी में सिटी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो सकता है तो आप उस कार्ड के लिए जाएं, ये कार्ड आप अप्लाई ना करें। HDFC बैंक का भी एक क्रेडिट कार्ड है जो इंडियन ऑयल के साथ आता है, वो भी कार्ड अच्छा है, इससे तो अच्छा है, लेकिन ये कार्ड
बड़ी आसानी से मिल जा रहा है, HDFC का कार्ड इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जिसके पास टू व्हीलर है, जो 200 का 300 का तेल भराता है, उसके लिए ये कार्ड बेस्ट है। और जिसकी सिटी में वो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं हो रहा है, उसके लिए भी ये कार्ड बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल भराने जाओ, फ्यूल सरचार्ज लगेगा ही। कुछ क्रेडिट कार्ड है जिसमें वे ऑफ हो जाता है, रिटर्न आ जाता है फ्यूल सरचार्ज, लेकिन उसमें बेनिफिट तो कुछ नहीं मिलता। जितना आप पेट्रोल भराओगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कम से कम इस क्रेडिट कार्ड में 4% तो कैशबैक मिल रहा है। हालांकि इतना अच्छा कार्ड नहीं है सिटी बैंक के जैसा या HDFC के जैसा, लेकिन कार्ड अच्छा है। फिर भी अगर आपका दूसरा कार्ड नहीं मिल रहा है तो ये कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।